टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक सब टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फ्रॉम चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दीज आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और वी कैन से एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के ज़्यादा होने से या कम होने से या फिर उनके अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और वी कैन से दैट दे कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन्यूप्लॉइडी, इन दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर it is the gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatids during cell division. Now what happens, you know that during cell divisions there are different phases, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, now what happens during metaphase, all chromosomes align themselves in the equatorial plate, yani sare chromosomes jo hote hain wo equator par arrange ho jate hain. Okay, और उसके बाद व्हाट हैपन्स, दे आर पुल्ड अपार्ट इन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम वी नो दैट ड्यूरिंग दिस टाइम देर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. यानी अगर फोर क्रोमोसोम्स हैं सो टू मस्ट गो टू टुवर्ड्स द वन पोल एंड टू मस्ट गो टुवर्ड्स द अदर पोल. ओके, सो वॉट हैपन्स, समटाइम्स लेस एंड समटाइम्स ऑन वन पोल लेस क्रोमोसोम्स रीच एंड टुवर्ड्स अदर पोल मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीच. ओके, तो जो सेग्रीगेशन है यानी क्रोमेटिड्स का जो सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है, वो सेल डिविजन में प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी तरफ गेन हो सकता है क्रोमोसोम्स का और किसी तरफ लॉस हो सकता है. ठीक है, तो जो टेलोफेज में दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा उसमें से एक सेल में कम हो जाएंगे क्रोमोसोम्स और दूसरे में बढ़ जाएंगे. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. ओके, सो यू कैन सी हियर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इज शोन. ओके, इन मियोसिस वन एंड टू इन बोथ द केसेस the phases are similar. Anaphase is there in both the both type of cell divisions, and similarly metaphase is in present in both of them. So during segregation or separation of chromatids, when there is gain or loss of chromosomes, okay, that is known as aneuploidy and it causes disorder. Okay, so here if you will look at the aneuploidy are of different types. For example, you can say it can be nullsomy, okay, it can be monosomy, it can be trisomy, it can be tetrasomy. When we say nullsomy means a chromosome pair is lost from diploid set. Okay, एक जो पेयर है क्रोमोसोम का, दोनों यानी डिप्लॉइड सेट में यानी कि जो पेयर में क्रोमोसोम है दोनों ही नहीं होते हैं. मोनोसोमी में क्या होगा, अ क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड सेट. ओके, एक क्रोमोसोम लूज कर जाएगा पेयर. ठीक है, पेयर में दो होते हैं तो इट विल लूज वन क्रोमोसोम, दैट इज मोनोसोमी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, नाउ अगेन ट्राइसोमी में क्या होता है, इन ट्राइसोमी एक्स्ट्रा पेयर यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उस सेट में आ जाता है. पेयर में हमेशा दो होते हैं बट उसके साथ एक और क्रोमोसोम आ जाता है. ठीक है, सो व्हेन अ क्रोमोसोम इज एडेड टू डिप्लॉइड सेट वी कॉल इट ट्राइसोमी. टेट्रासोमी में ऑब्वियसली फोर हो जाएंगे, फोर टेट्रासोमी. ओके, सो व्हेन टू क्रोमोसोम्स आर एडेड टू अ डिप्लॉइड सेट, टू तो प्रेजेंट ही हैं, टू और आ जाएंगे सो दे विल बिकम फोर, सो वी कॉल इट टेट्रासोमी. सो देर आर फोर कंडीशंस इन द एन्यूप्लॉइडी, नलसोमी, ओके, मोनोसोमी, देन अगेन वी हैव गॉट ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी. ओके, सो
सो दीज आर डिफरेंट कंडीशंस. एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देर इज़ वन मोर कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी. पॉली मीन्स मेनी, प्लॉइडी मीन्स सेट. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूप्लॉइडी. ओके, इफ देर इज इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम. ओके, वी नो दैट प्रोफेज, मेटाफेज, देन कम्स एनाफेज, एंड द लास्ट फेज इज टीलोफेज. ओके, सो जब टीलोफेज में क्या होता है, आपको दोनों पोल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पहुँचते हैं और दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर सेल डिवीजन में एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल रीच अपोजिट पोल्स, पहुंच जाएंगे वो अपोजिट पोल्स में. ओके, एंड देन साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस. उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस ही नहीं होता, टीलोफेज तक कंप्लीट हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन नहीं होने की वजह से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. दैट मीन्स एक ही सेल के अंदर दो सेट, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सो इफ इट हैपन्स देन इट इज़ दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. इट इज़ एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. इमेजिन करो एक सेल में 46 क्रोमोसोम है. ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, दिस इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स. सो इफ देर इज 46 क्रोमोसोम एंड अनदर सेट इज देयर 46 क्रोमोसोम. ओके, सो इन अ सेल जस्ट इमेजिन 46 प्लस 46 क्रोमोसोम सेट इज प्रेजेंट, बट देर इज नो साइटोकाइनेसिस हैज टेकन प्लेस, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. तो क्या होगा, एक ही डॉटर सेल के अंदर हमें दो सेट मिलेंगे, 46 प्लस 46. दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी एंड जनरली इट इज फाउंड इन प्लांट. ओके, सो दिस इज हियर यू कैन सी टेट्राप्लॉइड. यू कैन सी जाइगोट इज देयर एंड इट इज टेट्राप्लॉइड हैविंग फोर सेट्स ऑफ, होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो यहाँ आपको दिखा रखा है कि किस तरह से पेरेंट स्पीशीज है, पेरेंट स्पीशीज से जाइगोट में हाँ क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, डिप्लॉइड होना चाहिए था सेल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पहुँच गए हैं. सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. ओके, इन अनदर पिक्चर हियर यू कैन सी हैप्लॉइड इज शोन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. In diploid again double double chromosomes are there, that means pairs, you can see red pair of, red pair of these purple colored and pair of yellow colored in diploid. Triploid mein you can see 3-3 are there and in tetraploid 4-4 are there, so four sets are there. Okay, so these are the conditions of polyploidy. Now when we talk about chromosomal disorders, certain disorder chromosomal disorders are present in humans. Like Down syndrome. Okay, so Down syndrome is also known as mongolism. Okay, now Down syndrome was explained by for the first time by Langdon Down in 1866. So that's why it is also known as Down's syndrome. Okay, now what is the cause of Down syndrome? The cause is additional copy of chromosome number 21. Okay, here you can see here you can very clearly see that different pairs are present. Okay, now there all these chromosomes are present in pairs. Okay, but if you will look at the 21 number of chromosome, okay, 21, here you can see triplets. That means along with the pair it has got extra chromosome on the 21st chromosome. Okay, so if you will count them they will become 47. Normally the number of chromosome must be 46, but because of extra chromosome it has become 47. Okay, so you can clearly see that the genetic constitution has become 47 chromosome due to trisomy of 21.
क्रोमोसोम नंबर 21 शुड बी प्रेजेंट इन पेयर, वो पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए था, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आ गया है, इसीलिए ट्राइसोमी शो कर रहा है वो. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 47. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दे हैव शोन 45 ए ऑटोसोम्स प्लस एक्सेस, 45, 46, 47. ओके, जनरली इट शुड बी 44. ये 44 होने चाहिए थे ऑटोसोम्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, 45 है. ठीक है, तो ये मेल्स में भी कंडीशन हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है. तो अगर फीमेल्स में होगी तो इट विल बिकम 45A. 45A मीन्स ऑटोसोम्स. ओके, 45A मीन्स ऑटोसोम्स प्लस XX. सो मेल्स में अगर आप देखेंगे तो इट विल बिकम 45A प्लस XY. ओके, सो इन बोथ द केसेस टोटल बिकम्स 47 क्रोमोसोम्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज additional copy of chromosome number 21, which is also known as trisomy. Okay, now when we talk about Down syndrome, it has got certain symptoms: short statured with small round head, broad flat face is broad and flat, they have got tongue which is furrowed and partially open mouth. Okay, so these are the symptoms of Down's syndrome. Now let's move on to the there are certain other symptoms. You can see short statured with small round head, this we have discussed, broad flat face, furrowed big tongue, and generally their mouth is open, partially open, half open. They have got broad palm, okay, and they have a crease in their palm. So aapko क्रीजेस दिखाई देंगे उनकी पाम में, एंड दैट इज उन्हें साइमियन क्रीज. मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, सो यू विल फाइंड मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स. दे आर जनरली मेंटली रिटार्डेड. देयर साइकोमोटर स्किल्स, दैट मीन्स द स्किल्स टू होल्ड समथिंग राइट, लाइक दे इट इज़ नॉट डेवलप्ड, एंड मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो पुअर. दे ऑल्सो सफर फ्रॉम कंजेनिटल इन, दैट मीन्स राइट फ्रॉम द बर्थ they have heart disease. Okay, so all these are the characteristics, or you can say the symptoms of Down's syndrome. Okay, now moving on to the next, that is here again same things are discussed. Here you can see flat face. Okay, they have got partially open mouth with protruding tongue, they have got simian crease, and they also have got gap between first and second toes. So these are different distinguished features of the individual suffering from Down syndrome. Now next is Klinefelter syndrome. Okay, in Klinefelter syndrome you will see it is caused by additional copy of X chromosome in male. Okay, we know that males have got only one X chromosome, but here what happens, they have additional X chromosome. So it is like this. Okay, so it is genetic constitution. How we are going to write it, you have to write it like this: 44 autosome plus XXY. So again number of chromosome becomes 47 chromosomes. Okay, because of additional X chromosome, they have got characteristics or some symptom features like females. Okay, so they have got less body hair, there is breast enlargement, they are sterile. Okay, and they are also mostly mental development is retarded, and that is they are mentally retarded. Okay, so just remember they have got extra X chromosome. Now next is Turner syndrome. This is the absence of one of the X chromosome in female. Okay, you know that females have got two X chromosomes, but here what happens, they have got only one X chromosome. They have got only one X chromosome. Okay, so we write it like this: XO. This shows the absence of X chromosome. So if you will write the genetic constitution, it becomes like this: 44 autosomes and single X chromosome. So because one X chromosome is absent, so total number of chromosomes becomes 45. Okay, 44 plus 1 X chromosome, 44 plus X
45. So total becomes 45 X chromosome. Okay, so this is Turner syndrome. So in this they have got ovaries are sterile, okay, rudimentary. That means they don't function well. Ovaries don't function well. They are sterile. That means they cannot reproduce. Such females cannot reproduce. They show lack of secondary sexual characters. They are generally dwarf. Their height is short, and they are also mentally retarded. So this is the symptom of Turner's syndrome. Okay, so I hope you will remember this. We have discussed chromosomal disorders. They are grouped in two categories, aneuploidy and polyploidy. Okay, then we have got Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner syndrome. I hope you must have understood chromosomal disorders. Thank you.